अस्सलामु अलैकुम तमाम लोगों को, खुशाम जी। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद हाजी, और अभी मैं मौजूद हूँ ग्रैनविल आइलैंड पर। और ये बहुत खूबसूरत आइलैंड है, और ये पेनिनसुला है, और वैंकूवर के बिल्कुल बराबर में ये आइलैंड वाक़ है। और ये 20वीं सदी में जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाती थी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की। और अभी जो है ये आइलैंड जो है ये मुख्तलिफ हवाले से बहुत मशहूर है। यहाँ पर फिश पब्लिक फिश मार्केट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। तो मैं ऐसा ऐसा करके आपको तमाम चीज़ें दिखाऊंगा। चले अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं बोट की फैसिलिटीज़ है। बहुत खूबसूरत मौसम है, सूरज निकला हुआ है, और अभी -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। राइट साइड में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। सस्ता हम आगे की तरफ चलते हैं और ये जगह देख सकते हैं आप। उन्होंने ये साइकिल स्टैंड बनाया हुआ है, जो लोग साइकिल खड़ी करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ ही नज़र आ रहा होगा रेस्टोरेंट है, पब्लिक रेस्टोरेंट, एक गार्बेज बिन है, जो कि आपको हर जगह पे नज़र आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं 3 मुख्तलिफ किस्म के बिन हैं, और हर चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखते हैं लोग। छोटा सा एक झील बनी हुई है, फ्रीज हुई भी है। पानी देख सकते हैं फ्रीज हुआ है झील का, और सर ये बच्चों के खेलने का एरिया है। आगे की तरफ चलते हैं। ये बच्चों के प्ले एरिया है पूरा। अभी हम लोग मौजूद हैं क्राफ्ट काउंसिल ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, इसको चेक करते हैं अंदर जाके। इसके टाइमिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं, देख सकते हैं, और प्रिकॉशन वगैरह हैं। इसके हवाले से लिखा हुआ है क्राफ्ट काउंसिल ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। जैसे नाम से आपको पता लग रहा है क्राफ्ट काउंसिल, यहाँ पे सकाफत दिखा रहे हैं। जुड़ी भी है यहाँ पे,
مختلف ثقافت کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ. بہت ہی عمدہ طریقے سے میں رکھا ہوا ہے ثقافت کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز میں بتاتے چلوں گی، تمام چیزیں آپ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں. تمام چیزیں جو یہاں پر ڈسپلے ہیں ثقافت کی، وہ آپ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں. بہت اچھا اسٹاف موجود ہے یہاں پہ. جولری بھی اویلیبل ہے، مطلب شو پیسز ہیں آپ کو دکھا دیں گے. زیادہ میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کیونکہ یہاں پر الاؤ نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں اس کی ویڈیو بنا دوں. کوشش ہے کہ تمام اینگل سے اس کو کور کیا جائے. اچھا ابھی ہم موجود ہیں ایک اور جگہ پر گرینویل آئلینڈ میں، اور جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر جگہ کی ڈارک سائڈ بھی ہے، تو اسی طریقے سے گرینویل آئلینڈ پر بھی آپ کو ایک انوکھی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دکھانے بھی لگا ہوں. یہ ہے پیئر 32 پرائیویٹ مرینا. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کو جو گھر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں لوگ ٹیکسز سے بہت پریشان ہیں، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ٹیکسز سے بچے. تو یہ جو آپ کو جو گھر نظر آ رہے ہیں پانی کے اوپر تیرتے ہوئے، ان کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور یہاں پر یہ لوگ اس کے اوپر انہوں نے یہ پانی کے اوپر گھر بنائے ہوئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہم تو پانی کے اوپر رہتے ہیں اور ہمارا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمارے پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا. دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت یہ لائن سے گھر بنے میں، اور ان کا کوئی ٹیکس نہیں ہے.
इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, ये लोग यूज़ करते हैं, और एज सच प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह ये लोग नहीं पे करते, देख सकते हैं आप लाइन से। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने घर बनाए में। या आप इसको कह सकते हैं डार्क साइड भी कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं क्लेवर साइड, जो आपके समझ में आए कि लोग टैक्स से बचने के लिए इस तरीके से। लोग कहते हैं आगे लेके चलता हूँ, काफ़ी सारे घर हैं, और ये कॉर्नर पे मौजूद हैं सारे एक साथ ही, बड़े स्टाइलिश बने हुए सारे घर, कोई टैक्स पे नहीं करते। प्रॉपर बालकनी, प्रॉपर हर चीज़ इनकी है। देख सकते हैं हम लेफ्ट से कंस्ट्रक्शन कुछ हो रही है, मज़ीद आगे लेके चलता हूँ। यहाँ से आप बर्थडे के लिए क्रूज़ या शिप वगैरह बुक करवा सकते हैं, पूरे दिन के लिए भी, कुछ दिनों के लिए भी, घंटों के लिए भी, और सिंगल राइड भी यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और देख सकते हैं लाइन से शिप्स क्रूज यहाँ पे मौजूद है। सामने आपको नज़र आ रहा है साइंस सेंटर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ग्लोब बना हुआ है, साइंस सेंटर है वो। वहाँ पर भी इंशाल्लाह मैं आपको लेके जाऊँगा साइंस सेंटर पे, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं देखने के लिए और करने के लिए, देख सकते हैं आप। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँगा, यहाँ पर ये हार्ट्स अम्ब्रेला, हार्ट्स एजुकेशन सेंटर फॉर यंग पीपल,
यहाँ पर आर्ट्स वगैरह सिखाया जाता है, पूरी बिल्डिंग है। आर्ट्स अम्ब्रेला के बाद एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, खूबसूरत है, और ये देख रहे हैं आप एक प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर, और ये पूरी इस मशीन का पूरा मैकेनिज्म इसमें दिया हुआ है, बहुत खूबसूरत तरीके से देख सकते हैं आप, उसे करते हैं तो कॉल करने की। इसके आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ओशन कमोशन इज़ अंडर मेंटेनेंस, पूरा मेंटेनेंस का एक जो है एक मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है, और ये कंक्रीट का प्लांट है, ये पूरी इसमें प्रोसेसिंग दिखाई है मैंने आपको, कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने खबर। मैं आपको एक और लोकेशन पर लेके आ गया हूँ, तो बराबर में ही है ये, और यहाँ पर बच्चे जो हैं मुख्तलिफ किस्म की जो आर्ट की चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है बिल्डिंग है, और इसको आप स्टडी कर सकते हैं। देख सकते हैं मुख्तलिफ शॉप्स हैं, मैं ओवर भी आपको पास से दे देता हूँ कुछ चीज़ें जो कहेंगे आपको। ड्रैगन स्पेस इस शॉप का नाम है, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के शो पीस जो है आप बाय कर सकते हैं, बहुत कुछ इस शॉप अवेलेबल है इस ड्रैगन स्पेस। अगेन तो बढ़ते हैं और ये आर्ट गैलरी फिश इसको देखिए, हम
products, natural and organic. चारों तरफ से आपको दिखा दिया है ग्रैनविल आइलैंड और यहाँ तो बहुत बड़ा ही है। अभी मैंने खाली आपको बोट का एरिया जो है उसके साथ जितनी भी जो जगह हैं वो आपको दिखाई है। आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। ये रैम इन्होंने क्लोज कर दिया। अब साइड पे ये पब्लिक मार्केट है, सामने भी फ्रंट पे भी पब्लिक मार्केट है। बस आप यहाँ से बोर्ड होते हो एक्वा बस से भी नज़र आ रही है। एक्वा बस कलरफुल आ गई है और यहाँ पे लोग इसमें बोर्ड होंगे और फिर इसको एंजॉय करेंगे ग्रैनविल आइलैंड के बदलाव में।
और लोग उनको पैसे भी दे रहे थे। तो एक नया तरीका है यहाँ पर मांगने का। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आज की वीडियो को कैसी लगी। देखते रहिए ट्रैवल विद हादी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।